प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है और दिल्ली से शिमला तक हलचल तेज है। इस बीच सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की इसी मुद्दे पर फोन पर बातचीत हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अब दो विकल्पों पर काम कर रही है। अगर कांग्रेस के 6 बागी विधायक लौट आते हैं तो आलाकमान मुख्यमंत्री बदलने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर बागी विधायक नहीं लौटे तो उनकी सदस्यता रद्द कराने पर विचार किया जाएगा। तो जहां एक तरफ कर्नाटक के डिप्टी सीएम हिमाचल कूच कर चुके हैं, वहीं सुक्खू सरकार को गिराने से बचने के लिए जिम्मेदारी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को भी दी गई है। दोनों ही कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश में हो रही हर हलचल पर पैनी नजर रखेंगे। तो 6 बागी जो विधायक हैं, अगर वो लौट आते हैं तो सीएम सुक्खू को बदल दिया जाएगा। देखिए, कल जो बागी विधायक हैं बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के बाद, उन्होंने यही कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी है, सरकार की कार्यशैली से नाराजगी है। पहले से मांग की जा रही थी कि उनकी जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाए।